मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी, 20 मिनट तक वो निशाना नहीं लगा पाई थी। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट ही लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। मनु निराश थी लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मेडल दिलाया। इस इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन ने गोल्ड जीता। उन्होंने 243.2 पॉइंट स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। कोरिया की ही किम ये जी ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 241.3 पॉइंट लगाए। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का पांचवा मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। I mean, before coming to the Olympic Games, also we had this session with him, very motivational and all. I felt really good at that he took out time, in his like this busy schedule. Also, he made time for us. And even after the medal, we had a long conversation, and he congratulated me, and it means a lot to me. Like him taking out time in his like so many things he has to do, but yeah, feels good. Yes, but the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years it's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. Many more can actually happen if Manu can get us two more. It's all right. It can be a better color as well. Yeah, I can try. I will definitely try my best, but you never know like what the outcome shall be. So. मनु भाकर की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी, वहीं मनु ने भी उनका आभार जताया। नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी की कार्यालय से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री की बात करके मैं दे रहा हूँ। जी नमस्ते सर। हेलो हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो। जी अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आप आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूं मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, और देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर? वहाँ सब बहुत खुश है सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले,
सब हमारे खिलाड़ियों को खेल की दृष्टि से जो कम्फर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए घर पे बात हुई है राम कृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी नमस्ते सर। वहीं मनु भाकर की दादी ने कहा कि जब उनकी पोती घर आएगी तो उसे वो गोल्ड गिफ्ट करेंगी। सुनिए। क्या कमाइए, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे? हाँ करेंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टोंग गाल दूंगी, चैन गाल दूंगी, और क्या करूँ। कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाओगे आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। वही मन्नू भाकर की माँ सुमेधा भाकर ने कहा कि जब टोक्यो में मेडल चूका तब मन्नू शूटिंग छोड़ने वाली थी, और क्या बताया उन्होंने, सुनिए। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस जैसा मैं हमेशा इससे ही करती आ रही, वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मनु भाकर के पिता रामकृष्ण भाकर ने कहा पूरा देश खुश है, उसके दो इवेंट बचे हैं और हमें उम्मीद है कि वो और अच्छा प्रदर्शन करेगी। आप देख सकते हो मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कोलीग ज्यादा खुश है, पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी टॉप्स एक डिपार्टमेंट है वहाँ से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनका मदद करती है, और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफ़ी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाएगी।